ये बोल रहा है आ जाओगे। वेलकम टू द गाइस 1090s। आज हम खेलने वाले हैं दोबारा से रेसिडेंट इविल 4। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 क्लियर किया था, आज हम खेलेंगे 1.2। इसकी शुरुआत करते हैं, तो चलो बिना किसी देरी के अपने मिशन को पूरा करते हैं। यार इस गेम में वाकई में बहुत मजा आता है, जैसे ही जब क्राउड बढ़ता है ना, और जब हमारे पास आइटम्स हों भरपूर मारने के लिए और क्राउड बढ़े, तब इस गेम में बहुत मजा आने लगता है। वैसे ये जो एनिमीज है, जो ज़ॉम्बीज हैं इसमें, ये वैसे स्पेनिश बोलते हैं और हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ इनकी स्पेनिश की जो लैंग्वेज है जो ये यूज़ करते हैं, वो बड़ी मतलब ऐसी होती है जैसे कि हमारी लोकल मुंबई में बोली जाती ना। देखो आप जब भी कोई डायलॉग मारेंगे ना, तो मैं आपको ना वो बताऊंगा कि वो म्यूजिक, वो आवाज़ लगती कैसी है, इनके डायलॉग्स बताऊंगा आपको। यार इसको खोलते ही वो क्या एक मास्क चमक रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो हमें लालच देने के लिए दिखा रहा है। मिलेगा कैसे? कुछ नहीं है इधर पर, ऐसा लग रहा है यहीं से जाके ले लूं, लेकिन हमें इस डोर के अंदर यहां से कुछ शुरू होने वाला है। इससे पहले गोली कर, आ जाओ बेटा आ जाओ, ये ले शॉट गन है बेटा, ये शॉट गन मार। यार पास से ही जाके मारो, शॉट गन यार पास से मारने के लिए बढ़िया, जितनी पास से मारेंगे उतनी तेज लगेगी, और राइफल दूर से बढ़िया है, और शॉर्ट गन तो यार सदा बाहर। शॉर्ट गन आप कैसे चला, ना पास से मारने की जरूरत है ना, शॉर्ट गन आप कहीं से मार सकते हैं। यार इनमें तो कुछ मिलता ही नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्या मतलब कर क्या रखा है, ड्रम है और जाल बिछा रहे हैं। अरे हाँ नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है बमबारी हो रही है। इसको ना राइफल से मारते हैं, मार के बैठ जाता है पता होता है। वही था, हमने उसको वहीं से ही मार दिया। ओ भाई साहब कितना भी सारा है ना,
साले बहुत आराम ही दौड़े हैं, छोटे मोटे वो नहीं है विलन, और हमें लगता है ज़ॉम्बी है साले, बम बम चलाना सब जानते हैं, माइंड वॉश किया हुआ है इनका बस, देख ना कहाँ कहाँ बिछा रखा है, मतलब हम चल के आएंगे और पैर फंस जाएगा और ये बम से उड़ा देंगे, खेल खत्म। यार ये जगह तो खतरनाक सी लग रही है, इधर क्या है, इधर तो आए कुछ नहीं है, कुछ किया था तुमने यहाँ से काम आया था, चलो नीचे चल के देखते हैं नीचे क्या है, पावर 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 पावर, और भी है कुछ यार, जब भी कोई पावर आवर ज़्यादा मिलती है ना उम्मीद से ज़्यादा, ऐसा लगता है आगे कुछ ना बड़ा होने वाला है। यार ये मछली है, मछली मारे क्या, ओ भाई साहब पावर बढ़ाने के लिए ठीक है यार, तो चलो खैर यार टाइम वेस्ट नहीं करते, पावर तो खुली है हमारी, मतलब कुएं से निकलना, कुआ आई है तो गटर गटर है, इनके लिए तो कुआ होगा, हमारे लिए तो गटर है। या दो कौए मार दिए भाई, गोली मारने से ही अच्छा है। तो यार हम यहाँ दोबारा आ गए क्या, ये लॉकेट हमने ऐसे ही टंगा था कुएं के ऊपर पहले ही, और अब फिर हम नहीं आ गए ऐसा लग रहा है। वो जगह तो नहीं ने हमें क्या दिया है यार, बच के जाना पड़ेगा, ये तो घर भी अजीब सा ही है यार, कैसा जीना लगा रखा है। ओ भाई ये क्या है, पासवर्ड, अच्छा ये तस्वीर बनानी है जैसी इसमें, तो भाई इसके लिए तो
नीचे एक बार होगा, लेफ्ट कर देते हैं, हमने उल्टा बना दिया, हम सीधा बनाना है। एक बार इधर करते हैं, फिर इधर करते हैं, इधर करते हैं, बड़ा इजी था यार। ये इसका ऑफिस है, जो विलन है उसका ऑफिस लग रहा है। और ये चाबी, ये चाबी उसकी है जिसमें वो एक अलार्म बजाता ना। अच्छा, ये इसका बेडरूम है, इस पर क्या कागज पड़े हैं। शेफ को इसने ऑर्डर ऑर्डर दिया होगा, वो जो दाढ़ी वाला बंदा है खाली टाइप का, वो उसको कुछ ऑर्डर ऑर्डर दिया होगा। ये इतनी बड़ी अलमारी में ये 1000 रुपये रख रहे, गरीब आदमी। क्या है, ओपन ड्रॉ डन। और भी है भाई कुछ बुक्स में, कुछ है nuestro jefe se cuidará de la rata. अच्छा, शेफ का बेडरूम है ये, उसकी फोटो लगा रखी बंदे ने। ये इसका घर है, ये पकड़ दिया। शेफ मेनेंडेज, इसका नाम है शेफ मेनेंडेज। You carry the same blood as us. Virus देख लिया। Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? हाँ, तो मैं आपको उस टाइम क्या बता रहा था कि आप ये इजीली खेल सकते हो, आपको कुछ ज़्यादा इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा 1.2 चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है और हम कर देते हैं इसको सेव। ये यार चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, इसको मैं नीचे ही सेव कर देता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप इसको खेलना चाहते हैं तो एक PSX2 एम्यूलेटर डाउनलोड आपको करना पड़ेगा, कूल रोम से इसका एक रोम डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर आप इजीली उसके ISO को इसमें प्ले करके, PSX में प्ले करके आप इजीली इसको खेल सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। तो इसके आगे का गेम हम अगली वीडियो में खेलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।